शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं। मां के अलग अलग नौ रूपों की पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर सज गए हैं, पंडाल लग गए हैं, वहीं गरबा, डांडिया और रामलीला के लिए भव्य मंच भी देश भर में सज गए हैं। देवघर में आज से नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी धाम में भक्तों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को मां वैष्णो देवी के दर्शन में दिक्कत ना। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एज पर श्राइन बोर्ड का यहाँ है, हमने एक्स्ट्रा काउंटर्स खोले हैं जहाँ आपको यात्रा पर्ची मिलेगी, RFID आईडी कार्ड्स वगैरह उसके लिए एक्स्ट्रा हमने काउंटर्स खोले हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि फ्रिस्किंग पॉइंट्स पे हमने नॉर्मल रूटीन से ज्यादा नफरी डिप्लॉय की है ताकि यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना आए और वो स्मूथली यात्रा चले। देवघर में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। देवघर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। हर साल इन दिनों यहाँ भव्य आयोजन किया जाता है। ये विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। झांसी के फूटा चोपड़ा की कालीबाड़ी में अब्दुल खलील माँ की मूर्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं। झांसी के अब्दुल खलील धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए देवी देवताओं की मूर्ति बना रहे हैं। यहाँ की जो मूर्ति है बंगाली समाज की, जो कालीबाड़ी की, जो 162 साल से इस समय यहाँ स्थापित होती है और 162 साल से बनती आ रही है। लेकिन झांसी की जितनी भी प्रतिष्ठित स्थानों की मूर्तियां हैं वो मेरे ही द्वारा बनाई जाती हैं और यहीं से सारे पंडालों में जाती हैं। वो चाहे कालीबाड़ी की हो या दयासार कंपाउंड की हो या बड़े मठ की हो, बड़े बाजार की हो या एलाइट चौराहे की हो, ऐसी कई सभी मूर्तियां जो मेन मूर्तियां हैं वो अपने यहीं से जाती हैं। इस साल शुक्ल और ब्रह्म योग के अद्भुत संयोग के साथ नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इन दिनों माँ के अलग अलग नौ रूपों की पूजा की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक ऐशबाग की रामलीला का मंचन भी आज से है। पिछले दो सालों से कोरोना काल के चलते इसका आयोजन टल गया था। जय श्री राम के नारे के साथ देश भर में रामलीला की शुरुआत होगी। लखनऊ का ऐशबाग रामलीला ग्राउंड है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन अगर हम बात करें तो ये रामलीला है। तुलसीदास ने इस रामलीला की शुरुआत की थी 16वीं शताब्दी से और जो तैयारियां हैं रामलीला को लेकर वो यहां पर पूरी हो चुकी हैं। गुजरात के वडोदरा में गरबा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दो साल से हम इसकी तैयारी प्रिपरेशन करते थे। हाँ, कोरोना काल था उसमें काफी अप एंड डाउन बहुत हुआ है, पर ये पूरा जो वो हम जो दौर से गुजरे हैं आज वो इतनी मजा ले रहे हैं। अभी दो साल के बाद जो गरबा आज मिल रहा है तो ऐसा लगे दो साल की कसर एक दिन में पूरी करनी है, बट अभी हमें थोड़ी और लालच हो रही है कि अभी और गरबा खेलना चाहिए। जबकि सूरत भी दो साल बाद नवरात्रि और डांडिया के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ खास अंदाज में गरबा की तैयारी हो रही है। डांडिया के साथ वो कुछ हर साल न्यू करती है, डिफरेंट करती है, यूनिक करती है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू डांडिया गरबा ऑन स्केट्स। मुंबई में कुछ ही घंटों में नवरात्रि की धूम देखने को मिलेगी। कोविड काल के बाद एक बार फिर नवरात्रि के पावन मौके पर उत्सव और त्योहारों का मौसम लौट आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।